राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईके सिटी न्यूज। चीन की कायराना हरकत के चलते जहां पूरे देश भर में लोगों में आक्रोश है, तो वही आज ताज नगरी आगरा की बात की जाए तो ताज नगरी आगरा में हिंदूवादी संगठन चाइनीज सामान का पूरी तरह से बहिष्कार कर रहे हैं और आगरा की जनता से अपील कर रहे हैं कि अपने देश का सामान अपनाएं। इसके साथ ही आज हिंदू कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के द्वारा आगरा शहर की प्रमुख मार्केट ओ में चाइनीज सामान व्यय कर रहे दुकानदारों से अपील की कि चाइना के सामान को ना बेचें और स्वदेशी अपनाएं। इसके साथ ही चाइना के राष्ट्रपति के मुर्दाबाद के नारे लगाएं। उन्होंने यहां भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी को करारा जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से चीन हमारे भारतीय सैनिक मारे गए हैं, उसी तरीके से चीन की सेना को भी भारतीय नागरिक को आदेश दें जिससे ईंट का जवाब पत्थर से दें। वाईके सिटी न्यूज से संवाददाता योगेश कुमार की रिपोर्ट आगरा से। क्या नाम है कमल आपको? मैं कमल सिंह वाल्मीकि, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का सदस्य उत्तर प्रदेश में और पूर्व क्षेत्र मंत्री भाजपा। तो कमल जी, आज आपने जो बदलाव भुगा है, ये किस देश से भुगा बदलाव? मेरे अगर उसमें होता तो मैं वहीं जाकर कुछ ना कुछ करता। गलावन घाटी में मेरे देश के सैनिकों को धोखे से चीन ने मारा है। चीन हमारा खा के हम पे घुर्राता है। हमारे जो सैनिकों के निर्मम हत्या की गई है, इससे पूरा देश गुस्से में है और हम भी बहुत गुस्से में है। इसी श्रृंखला में हमने ये पतला फूका है और आगे भी हम चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे। संपूर्ण आगरा वासियों से, उत्तर प्रदेश वासियों से और देश वासियों से मैं अपील करता हूँ कि चीन के सामान का बहिष्कार करें।